देहरादून के पूर्व विधायक व एनसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार ने बुधवार को नैनीताल क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए वे जगह जगह कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है। नैनीताल पहुंचे पूर्व विधायक व कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने राज्य व केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हर जगह सरकार अपनी मनमानी कर रही है। विधायक महेश प्रकरण में भी सरकार के दबाव में उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही, बैकलॉग के पदों पर भर्ती नहीं की जा रही, जिससे बेरोजगारी आए दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। बैकलॉग की पोस्टों के लिए जो है एससी एसटी समझ करता है, अब जाकर जो है एक आशा जागी है, तो कैसे जो है आगे कार्य होगा इस पर? देखिए, कांग्रेस ने पहले से ही एससी एसटी बैकलॉग के लिए आवाज़ें उठाई हैं और धरना प्रदर्शन में भी सहयोग करा है, भाग लिया है, लेकिन वो नहीं सुन रहा है, नहीं कर रहा है। और तभी एससी बैकलॉग में दिक्कतें आ रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं जो समाज कल्याण की थी, अनुसूचित जाति की थी, सारी बंद करिए, सारी ठप करिए, सारी विधानसभा में कोई काम नहीं हो पा रहा। जबकि पिछली बार कांग्रेस सरकार थी तो हम लोग एससी विभाग की जितनी भी योजना होती थी, अब विधानसभाओं में चाहे सड़क का काम होता है, सामुदायिक भवन का काम होता है, या काम होता है शौचालय बनाने का काम होता है, सारा उससे कर लिया करते थे। लेकिन आज बिल्कुल बंद करा, छात्रवृत्ति बिल्कुल बंद करी हुई है, हमारे बच्चों को स्कूलों से हटाया जा रहा है, उनको परेशानी करा जा रहा है। जो बच्चे हमारे लॉ कर रहे हैं प्रोत्साहन नहीं दे रहे पा रहे हैं, ना हमारे भाई सारे घूम रहे हैं, नवयुवक सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वादा करा था कि कहीं भी नहीं है, तो हमारे नवयुवक युवक कांग्रेस के साथ मिलकर, कांग्रेस अभी लगातार धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं और आगे भी आने वाले समय में हम करते रहेंगे। सरकार कोरोना कार्यकाल में बिल्कुल सोई भी है। आज ऐसी स्थिति आ रही है कि सरकार घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, जबकि इतने फंड्स पड़े हुए हैं। अगर सरकार को चाहिए था कि जितने फंड्स हैं, आज कोरोना कार्यकाल में कई हॉस्पिटल ऐसे अच्छे अच्छे से बना देते जिनमें इन कोरोना वालों को उनकी कम से कम इलाज तो किया जाता था। आज उनको टाइम पे खाना नहीं मिल पा रहा है, टाइम पे बासी खाना मिल पा रहा है, और उनको कोई दवाई नहीं मिल पा रही है। अपने भरोसे लोग अपना जी रहे हैं। देहरादून के तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। पूरा हॉस्पिटल, चाहे एम्स हो, चाहे दून चिकित्सालय हो, या अन्य चिकित्सालय जितने भी हैं प्राइवेट भी, सारे पैक हो रखे हैं। और वहाँ ऐसी स्थिति कर दी इन्होंने पैदा कि बिल्कुल बता नहीं सकता, लोग रो रहे हैं खाने के लिए, कैंपेन नहीं मिल पा रही है। इस ढोंगी सरकार को, भैरी सरकार को, सूर्य सरकार को जगाने का हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और लोग भी अब इनको जवाब देने वाले हैं, बहुत जल्दी इनको जवाब। सर, अगला सवाल महेश ने की प्रकरण, एक तरफ जो है हाईकोर्ट ने उनके अरेस्टिंग का ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, सरकार लगातार दबाव बना रही है, तो ऐसे में विपक्ष की क्या भूमिका है, कहीं पर नजर नहीं आ रहा है? नहीं, महेश ने की प्रकरण में हमने लगातार धरने प्रदर्शन करे हैं, सभी जगह पुतले भी जलाए हैं, और जब हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है तो अब कोर्ट के आगे तो हम नहीं बोल पाते, लेकिन अवश्य उनकी गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी होनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें जब जाँच चल रही है और FIR के लिए उन्होंने हाईकोर्ट ने आदेश करे हैं, तो बिल्कुल गिरफ्तारी भी होगी। और इसमें भी हम लगातार सहयोग कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं होगा तो हम सड़कों पर उठेंगे।